बिसम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल दोस्तों यकीनन सोलर प्लेट्स की प्राइस इंतहाई कम लेवल पर चली गई हैं और उसका फ़ायदा आप लोग उठा भी रहे हैं फिर सोचे समझे या बग़ैर सोचे समझे लेकिन सोलर इन्वर्टर्स एम पी पी टी चार्ज कंट्रोलर और बाकी एसेसरीज जैसा कि वायर हैं चेंज ओवर हैं ब्रेकर्स हैं उनकी प्राइस में कोई ख़ातर ख्वा कमी नहीं हुई है बल्कि सोलर इन्वर्टर्स और एम पी पी डी चार्ज कंट्रोलर को शॉर्ट करके और इजाफी प्राइस पर बेचा जा रहा है ब्लैक पर जैसा कि मुनासिब बात है तो ऐसे में जैसा कि मैंने कहा सोचे समझे और बगैर सोचे समझे मेरे कुछ दोस्तों ने एक दो तीन चार प्लेट्स को परचेस कर लिया और अब उनका सवाल है कि अब हम इन प्लेट से फायदा किस तरह हासिल कर सकते हैं तो सवाल बहुत सारे हैं उन्हें जमा करके 10, 15, 20 मिनट की वीडियो बनाने का फायदा नहीं है मैं अब क्या करूंगा कि छोटी छोटी वीडियो बनाकर थंबनेल पर मेंशन कर दूंगा ताकि वीडियो को ढूंढने में भी आसानी हो और वीडियो आपको चंद ही मिनट में समझ में भी आ जाए आपका सवाल हल हो जाए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक वोल्ट वाले नए मॉडल के एस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का क्या फायदा है और इसका हाइब्रिड फंक्शन के कनेक्शन आप किस तरह करेंगे डायग्राम की मदद से भी आपको समझाऊंगा तो पहले इसकी वोल्टेज रेंज थी एक और अब कर दी गई है 170 तो ये 170 वाला जो मॉडल है ये सिर्फ उन दोस्तों के लिए है जो सीरीज में इस पर तीन प्लेट्स लगाना चाहते हैं अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि प्लेटें कितनी लगाई जाए तो ये मेरी आने वाली वीडियो में आप ज़रूर देखेंगे कि कितनी प्लेट्स लगानी चाहिए और अब बात करते हैं इसके हाइब्रिड फंक्शन को तो देखें दोस्तों ये जो आप थ्री पिन का स्विच देख रहे हैं ये पहले यूपीएस इसमें लगा हुआ था 220 की सप्लाई और अब हमने क्या कर दिया है उस स्विच में हमने 220 की सप्लाई देकर और इसके बॉटम में जो मेन लाइन और न्यूट्रल है इसमें लाइन और न्यूट्रल का ख्याल करते हुए यहां पर हमने इसे 220 वोल्ट दे दिए लाइन और न्यूट्रल का आपने ख्याल करना है ठीक है अब यहां से 220 आ गई हमारे इस एम कंट्रोलर में और ऊपर से जो थ्री पिन लगा हुआ है इसमें भी आपने लाइन और न्यूट्रल का ख्याल करना है कि लाइन में लाइन लगाएंगे न्यूट्रल में न्यूट्रल और फिर ये जो थ्री पिन का स्विच आप देख रहे हैं ये हमारे यूपीएस का है मतलब ये है कि पहले जो यूपीएस की सप्लाई हम बोर्ड से दे रहे थे वो अब हम सिमटेक के थ्रू देंगे ये देखें ये ये यूपीएस के अंदर वो लाइन चली गई लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि 220 वोल्ट की सप्लाई इस एम को देने से ये शाम को बैटरी भी चार्ज करेगा ये बैटरी को चार्ज नहीं करेगा अच्छा इसका क्या काम है जब ये अपने सोलर मोड पर होगा तो क्या करेगा ये जो हमने इसको नीचे से सप्लाई दी है दो वोल्ट की उसको ये सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ कर देगा यानी कि जब सोलर मोड पर होगा तो बिजली को जो हमने यूपीएस की बिजली इसमें से गुजारी उसको कट ऑफ कर देगा और शाम को जब सोलर खत्म हो जाएगा या उसके पावर कम हो जाएगी तो उस बिजली को वो दोबारा चालू कर देगा मैं डायग्राम की मदद से भी आपको ये चीज अब समझाता हूं तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है और ये हमारी बैटरी है ठीक है और जनाब एम पी पी टी चार्ज कंट्रोलर और ये हमारा बोर्ड हो गया जो कि 220 वोल्ट हम इसे ले रहे हैं और ये हमारा आ गया यू पी एस ठीक है जी तो अब मैंने आपको कहा कि यहाँ से जो दो तारें हम देंगे वो इस बोर्ड से देंगे एक लाइन होगी एक न्यूट्रल होगा लाइन लाइन के अंदर यहां लग जाएगी न्यूट्रल न्यूट्रल के अंदर लग जाएगा ठीक है उसके बाद यहां से जो थ्री पिन लगेगा उसमें देखें थ्री पिन इस तरह होता है अगर आप देखेंगे तो उसके राइट में आपने लाइन देनी है और लेफ्ट वाले में आपने न्यूट्रल देनी है और ये अर्थिंग के लिए होता है तो यहां से ये दो पॉइंट आ जाएंगी ये आकर आपके इस यूपीएस के साथ कनेक्ट हो जाएगी ठीक है, यानी पहले इस यूपीएस के हम डायरेक्ट बोर्ड से सप्लाई ले रहे थे अब हम इस बोर्ड की सप्लाई देंगे एमपीपीटी में और एमपीपीटी से लेकर अपने यूपीएस को देंगे तो क्या होगा कि सुबह को जैसे ही सोलर अपना काम शुरू करेगा और ये सोलर मोड पर आ जाएगा तो यहां से ये जो लाइन थी यहां पे एक रिले एक्टिव हो जाएगा जो इस लाइन को काट देगा क्या होगा जब बिजली कट ऑफ हो जाएगी अपने यूपीएस से तो यह सारा लोड बैटरी पर शिफ्ट हो जाएगा इसका सोलर देगा एमपीपीटी को एमपीपीटी देगा बैटरी को और बैटरी से आपके यूपीएस का लोड चलता रहेगा दिन भर इससे यह फायदा होगा कि आपकी बिजली बचेगी सारा दिन आपको आपका जो लोड होगा वो चलता रहेगा आपकी बिजली सेव होगी शाम को जैसे ही सोलर खत्म हो जाएगा या उसके वोल्टेज कम हो जाएंगे मखसूस एक बैटरी के वोल्टेज आने पर ये इसका हाइब्रिड मोड एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से ये लाइन थ्रू हो जाएगी फिर आपके यूपीएस को बिजली मिलना शुरू हो जाएगी जिससे बैटरी को दोबारा चार्जिंग भी शुरू हो जाएगी और आपके घर का लोड बिजली पर शिफ्ट हो जाएगा और मैंने कहा कि हाई ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर बैटरी को शाम को चार्ज नहीं करेगा वो बिजली से चार्ज नहीं करेगा सोलर से तो वो बैटरी को चार्ज करता रहेगा लेकिन बिजली से चार्ज नहीं करेगा बिजली को सिर्फ ये कट ऑफ करेगा और ओके करेगा इस लाइन को ठीक है यानी कि सुबह कुछ लोग होते हैं कि सोलर लगा होती है मतलब हाइब्रिड एमपीपीटी अगर वो यूज नहीं करते तो सुबह में इस बटन को ऑफ कर देते हैं जिनका यूपीएस एक्टिव हो जाता है बैटरी से करंट लेना शुरू करता है सोलर बैटरी को देता और चलाता रहते हैं हाइब्रिड में ये होगा कि ये बटन आपको बंद नहीं करना पड़ेगा ये एक सारा काम ऑटो पे होगा उम्मीद है कि यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज